आज मैं बात करूंगा इंडियन करेंसी की इवोल्यूशन की। देखिए, लेन देन की प्रथा तो बहुत पहले से ही चलती आ रही है, चाहे हम बात करें राजा महाराजाओं के टाइम के बारे में, या फिर उनके बाद वाले पुस्तकों के बारे में, या फिर कोई कल्चर के टाइम के बारे में। आपको इसकी एविडेंस कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। लेकिन इनमें से गौर करने वाली बात यह है कि मुगल के हुकूमत के वक्त किंग रहे सुल्तान शेर शाह सूरी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है रूपी के लिए। उनके हुकूमत के वक्त करीबन 1540 या 80 में उनके एक रुपी वर्जन, जिसके साथ 11.5 ग्राम सिल्वर है, वो 40 कॉपर पीसेज ऑफ पैसा में बांट दिए गए थे। इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त रुपी एक ऑफिशियल करेंसी बन चुका था, जिसके हेड एंड टेल थे, जिसके हेड में किंग जॉर्ज द सिक्स्थ के फेस की प्रिंटिंग थी। इसी तरह से टाइम निकलता गया और करेंसी का फेस बदलता गया। उसके बाद जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तब जो कॉइन का हेड था जिसमें किंग का फेस लगा हुआ था, वो रिप्लेस करके इंडिया का नेशनल सिंबल जो कि है अशोका लायन पिलर, जो सरनाथ में है, वो चिपकाई गई थी। इंडिया में ऐसी चार जगह है जहाँ पे इंडियन लॉ की परमिशन है कि वो प्रोड्यूस कर सकता है लीगल टेंडर, जो कि है मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा। इंडिया की जो बैंक नोट्स है वो बनाया जाता है बल्सा ऊद पल्प से, जिसमें कॉटन फाइबर मिक्स किया जाता है ताकि वो और मजबूत हो जाए और रेगुलर पेपर के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग हो। बॉटम मार्क टेक्नोलॉजी का यूज़ करके महात्मा गांधी या फिर अन्य चीज़ें वहाँ पे प्रिंट किया जाता है। ये पेपर बनने से लगभग पहले होलोग्राफिक इमेजरी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक सिल्वर ट्रेड दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वाटर मार्क एंड सिल्वर ट्रेड का यूज़ करके इसको बहुत चकाचक बनाया जाता है इस नोट को, और इसे बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको दोहराना, मतलब कि नकली नोट छापना। इसका ये एक फैक्ट है कि 2009 में जब बैंक नोट्स के पीछे वर्ड RUPPEE थे, तो उस रुपी वर्ड को शॉर्ट करके RS रखा गया, जो कि रिप्रेजेंट करता है इंडियन करेंसी को। भारत के गवर्नमेंट ने एक डेवलप किया सिंबल जो बिल्कुल दिखता है देवनागरी अल्फ़ाबेट की तरह, एज वेल एज इंग्लिश अल्फ़ाबेट इसकी तरह। इसी तरह से टाइम चलता ही जाएगा और नोट के फेस बदलता ही जाएगा। इंडियन करेंसी के ऊपर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्या आप सुनना चाहेंगे? ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वक्त उसका एक कॉइन, बिल्कुल छोटा सा कॉइन, उसका कीमत कितनी थी जानते हैं आप? 1.3 करोड़। इतने करोड़ में बिका था।